चेहरों पर चेहरे हैं, मुखौटे हैं और वो चेहरे पर चेहरे हैं। कैद उजाले गोदामों में, मोटे ताले गोदामों में। कोई मसीहा ऐसा आए ढाका डाले गोदामों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का कार्यक्रम वाह वाह क्या कहने। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम साहित्य, काव्य, कला और संस्कृति से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा करते हैं और हर बार किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिसे आप सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी। स्वागत करते हैं सबसे पहले नीतू जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थोड़ा सा एक तो हमारे दर्शक जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा संक्षिप्त में अपने विषय में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और अपने परिवार के विषय में। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीतू गोस्वामी है। मथुरा में जॉब करती हूँ और वहाँ पर मैं हिंदी की प्रभारी हूँ, HOD हूँ हिंदी विभाग की। और साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा कुछ कर लेते हैं, कुछ समाज क्षेत्र में भी कर लेते हैं, तो बस। अच्छा, घर में आपके कितने परिवारी सदस्य हैं? मेरे दो बेटे हैं और पति हैं, हम चार लोग हैं परिवार में। अच्छा, लेखनी का कहाँ से आपको एक शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 12th में थी तब से वो सखी सहेली प्रकार की जो मैगजीन थी वो पढ़ा करती थी, तो उन्हें देख के कुछ इंस्पायरेशन हुआ कि कुछ और एक दो बार कोशिश किया तो बनने लगा, तो उसी में रुचि बढ़ने लगी। फिर ऐसे ही वो उम्र भी ऐसी होती है, फ्रेंड्स कुछ बताती थी अपने मनोभावों को जब वो शेयर करती थी, तो उनको फिर मैं शब्द के जरिए उनको अभिव्यक्ति करने लगी थी। जी बिल्कुल, आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत लोगों ने पसंद की हैं और सजल सप्तक में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक उन रचनाओं को जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा आप एक दो रचनाएं अपनी। जी, जैसा कि आज बड़ा विसंगतियों वाला समय है और व्यक्ति जहाँ करना चाहता है वहाँ पर उसको अवसर नहीं मिलता और जहाँ वो करता है वहाँ वो गलत दिशा में चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो मैंने अपनी सजल के माध्यम से व्यक्त की हैं, तो मैं बताती हूँ कि कदम अपने आकर कहाँ आज ठहरे हैं, कदम अपने आकर कहाँ आज ठहरे हैं, नहीं छूट किंचित भी पहरे ही पहरे हैं। ये आंसू ये आहें ये बेकार हैं सब, ये आंसू ये आहें बेकार हैं सब, यहाँ लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। दिए जख्म गैरों ने यूं तो सदा ही दिए घाव अपनों ने ये सबसे गहरे हैं। करें किसका विश्वास है कौन अपना मुखौटे हैं और चेहरे पर चेहरे हैं। इंसानियत अब न ढूंढने से मिलती है करें कर्म काले दिखावे सुनहरे हैं। बहुत जो अभी वर्तमान के जो हालात हैं, जो आसपास का हमारा माहौल है, उसी को लेकर आप लिखती हैं। जी। बिल्कुल, और चाहेंगे हम हमारे दर्शकों के लिए। जैसा कि आजकल राजनीति बहुत बुरी स्थिति में चल रही है, हम सब आशा कुछ लगाते हैं, होता कुछ है, और जो एक आर्थिक विषमता वो बढ़ती चली जा रही है। एक और तो उन्नति वाले तो उन्नति करते चले जाते हैं, जो बेचारे मजदूर या शोषक वर्ग जो है वो अवनति के गड्ढे में जैसे चला है, तो उन सब चीज़ों को मैंने अपनी इसमें लिया है कि कैद उजाले गोदामों में मोटे ताले गोदामों में कोई मसीहा ऐसा आए ढाका डाले गोदामों में। बाहर से उजले दिखते हुए अंदर काले गोदामों में। चेहरों पर करुणा का सागर, जब वोट मांगने आते हैं तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो कुछ नहीं होता, कि चेहरों पर करुणा का सागर मद मत वाले गोदामों में। जब उनको सत्ता हासिल हो जाती है तो उनका स्वरूप ही बदल जाता है। घर के बाहर भनक नहीं है खेल निराले गोदामों में। और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए और आपकी जो रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं। एक और सजल मैं सुनाती हूँ कि बन गए हम सब फिरंगे क्या बताएं। ये हम सब की जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो हमारा झुकाव बढ़ रहा है उससे जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो धक्का लग रहा है उसको अभिव्यक्त करने चेष्टा की है इसमें मैंने, कि बन गए हम सब फिरंगे क्या बताएं, सभ्यता नचती है नंगी क्या बताएं। देश को चरकर विचरते देश द्रोही चाल है कैसी मतंगी क्या बताएं। जंग घर गैरों से होती जीत जाते घात में अपने ही संगी क्या बताएं। संग रोती साथ देती घाव पीछे, दुनिया साथ में रोने का नाटक करती है लेकिन बाद में वो हंसी उड़ाती है।
तो संग रोती साथ देती घाव पीछे, हो गई दुनिया दुरंगी क्या बताएं। आज दुबली दिख रही संवेदनाएं, आज दुबली दिख रही संवेदनाएं, और दुष्टता संपुष्ट चंगी क्या बताएं, दुष्टता संपुष्ट चंगी क्या बताएं। कम पड़ी आकाश की ऊंचाइयां भी, कम पड़ी आकाश की ऊंचाइयां भी, चाल है कैसी भुजंगी क्या बताएं। जिनकी आशक्ति बढ़ती जाती है वो निरंतर और अधिक की चाह में वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और आदमी से जानवर हमको बनाया, आदमी से जानवर हमको बनाया, मीत है कितने कुसंगी क्या बताएं, मीत है कितने कुसंगी क्या बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना आपकी है। हमारे दर्शक भी ऐसी रचनाएं बहुत पसंद करते हैं, और कई लोगों ने हमसे जो है डिमांड की थी जब हमने बताया था कि आप हमारे कार्यक्रम में आ रही हैं, तो कई लोगों ने कहा था इन रचनाओं के लिए कि वो सुनना चाह रहे थे जी। और भी हम चाहेंगे आपसे एक दो रचनाएं, जो आपकी और प्रमुख रचनाएं हम चाहेंगे कुछ एक सुनाती हूँ। कि हम हैं जैसे भी आके हमको निभा ले कोई, हम हैं जैसे भी आके हमको निभा ले कोई, बिखरे हुए से हैं हमको संभाले कोई, बिखरे हुए से हैं हमको संभाले कोई। दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है, दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है, उदास शामों को तो साथ बिता ले कोई, उदास शामों को तो साथ बिता ले कोई। हमको ना समझ आई मतलब ही दुनिया की, हमको ना समझ आई मतलब ही दुनिया की, सीख नहीं पाएंगे कितना भी सिखा ले कोई। जिंदगी अपनी तो आह भी ना भरती है, जिंदगी अपनी तो आह भी ना भरती है, उफ तक ना करते हम कितना भी सता ले कोई, उफ तक ना करते हम कितना भी सता ले कोई। और घुट कर ना रह जाए दम मुझको डर है ये, घुट कर ना रह जाए दम मुझको डर है ये, इन अंधेरों से मुझे आके निकाले कोई, इन अंधेरों से मुझे आके निकाले। बहुत बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया रचना। जैसा कि अभी एक सज्जन सप्तक छपा था, प्रकाशित हुआ था, उसमें सिर्फ महिला कवित्री थी जी। तो उसके विषय में भी जानना चाहेंगे आप, उसमें आपकी कितनी सज्जलें प्रकाशित हुई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब सज्जल स्थापित हुई थी तो पहला जो सज्जल सप्तक निकला था वो पुरुषों का निकला था, जिसमें 7 पुरुष थे और सब बाहर उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग उसमें सम्मिलित थे। ऐसे ही उसके बाद जो दूसरा सज्जल सप्तक 2 निकला था वो नारियों के लिए निकला था, उसमें केवल 7 महिलाओं की ही वो रचनाएँ थीं, जिनमें सौभाग्य की बात है कि मेरा भी था और जिसमें मेरी 7 सज्जलें प्रकाशित हुई हैं। 7 सज्जलें प्रकाशित हुई हैं। अच्छा, कितना समय हो गया आपको लिखते हुए? मैं 12वीं कक्षा से लिख रही हूँ निरंतर, लेकिन सज्जल क्योंकि अभी इसकी अवधारणा अभी हुई है और आदरणीय गहलोत जी ने इसको निकाला है, इसकी प्रस्तावना की है, तो ये सज्जल लिखना अभी 2 साल से 1.5 साल से शुरू किया। अच्छा, जब सज्जल से, जब आप सज्जल नहीं लिखती थी उससे पहले किस तरह की, किस विधा में आप कविता लिखते थे? और कुछ इस तरह की गज़ल वगैरह भी लिख लेते थे जिसमें उर्दू शब्दावली आती थी, लेकिन वो गज़ल कहलाने योग्य इसलिए नहीं होती थी कि उनकी बहर और उनकी मात्राएँ बहुत ज़्यादा सटीक होती है और उन पर हम खड़े नहीं उतरते, तो वो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। फिर कितना भी हम अच्छा कर लें लेकिन हम उनके पास जब जाते हैं जो उर्दू के और बहुत अच्छे जानकार हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें खड़े नहीं उतर पाते, तो फिर एक आत्म ग्लानी सी होती है कि हम सही नहीं कर पाए, अपनी उस पर खड़े नहीं उतर पाए, तो इसलिए फिर उस धारा को छोड़ दिया। ऐसे कौन से मंच थे जो आपको अभी तक याद हैं, आपको ऐसा लगा हो कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको विशेष तौर पे आपकी लेखनी के लिए सम्मान में दिया गया हो, ऐसे कोई मंच रहे हो, या आपको कोई ऐसी खट्टी मीठी याद हो जो आप हम लोगों के बीच में शेयर करना चाहें? मैं मंच गिने चुने ही मैंने मंच किए हैं, मंच ज़्यादा नहीं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि रात्रि में होते हैं और परिवार को लेकर, लेकिन फिर भी मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई मंच कर चुकी हूँ जहाँ मुझे सम्मानित किया गया। बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं जब कहीं मंच पर हमको सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल। कुछ जो युवा हैं ऐसे हैं जो आपके तरीके बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल पाती, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें हमारे TV30 India के माध्यम से? मैं उन सभी से यही कहूँगी कि अगर आपके भाव अच्छे हैं तो पहले तो सबसे ज़्यादा भाव पक्ष ही देखा जाता है। आपका भाव पक्ष प्रबल है तो फिर जो कला पक्ष है तो उसकी जानकारी आप कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं। आप में लगन होनी चाहिए वो करने की। जब लगन होती है, वो कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। आप स्वयं से जब करने के लिए ललक आप में होगी तो आप अपने आप गुरु कहीं ना कहीं से आपको वो भी स्वयं मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छी जानकारी दी हमें जो है डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी ने, बहुत सारी अच्छी सजलें भी हमारे बीच में रखी, और बहुत जो युवा है, जो नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनके विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी, और हम सब लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर TV30 India के स्टूडियो में आई और आपने हमें समय दिया और बहुत युवाओं के लिए बहुत जानकारीपूर्ण बातें बताई आपने। तो आज हमारे बीच में मौजूद रहीं डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी और उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां हमारे बीच में पढ़कर सुनाई और जिन्हें हमारे दर्शकों ने भी सुना। इसी तरह अगले एपिसोड में हम फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके बीच में होंगे और कुछ नई पंक्तियों के साथ। तो प्लीज़ भूलिएगा मत हमारे अगले एपिसोड को देखना। सामने है भंवर अब किनारा नहीं, कि उस फूल सा कोई प्यारा नहीं। हाँ है नमक खास रिश्तों में माना, मगर मुस्कुराहट से निभाने हैं मुझे।